सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं रानी तलाव और नवरात्र हो गया। आप लोग को तो पता ही होगा कि नवरात्र में सब कोई रानी तलाव जाते हैं, और जो रिवर्स है उनको तो पता ही होगा कि रानी तलाव कहाँ है, और जिनको नहीं पता उनको हम बता देंगे कि रानी तलाव कहाँ है और किधर साइड पड़ता है। तो चलो गाइस, चलते हैं और दिखाते हैं आपको रानी तलाव का व्यू। तो गाइस, मामी लोग ऑटो लेके आई थी हम लोग को लेने, और हम सिरमौर चौराहा आ गए हैं। और सिरमौर चौराहा, तो गाइस हम आ गए हैं रानी तलाव के रास्ता पे, और हम लोग यहीं से पैदल जाते हैं। ऑटो भी जाती है वह दूसरे रास्ते से, तो पर हम लोग पैदल जा रहे हैं। और ये इधर से भी रास्ता है रानी तलाव का, और ये हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ का रानी तलाव का है, और ये मेन रानी तलाव का रास्ता है। तो यहाँ से हम कुछ दूरी पे रानी तलाव पहुँच जाते हैं, और यहाँ कुछ तो गाइस, यहाँ जो भी आपको लेना हो आप यहाँ आके ले सकते हैं। पानी पूरी, कपड़े, सिंगार का सामान जो भी है, तो यहाँ सब कुछ मिलता है। और बहुत ही अच्छा मेला लगता है गाइस, और यहाँ खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें हैं। और अब हम देंगे प्रसाद जो देवी माँ के ऊपर चढ़ता है, चुंदरी, चूड़ी, बिंदी, आपको जो भी लेना हो। तो हम नारियल और बिंदी सब चीज़ ले रहे हैं, तो बस हम लेंगे। उसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे, और देखो यहाँ सब कुछ मिलता है, आप जो भी लेना हो लेना आपको। तो गाइस ये है मेन गेट रानी तलाव का, तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है यहाँ, और नवरात्र पे तो ज़्यादा ही भीड़ लगती है, क्योंकि नवरात्र के समय ज़्यादा लोग आते हैं इसीलिए। तो गाइस अब हम इधर जाएंगे, और ये देख सकते हैं आपकी रानी तलाव का मेन गेट ये है, और यहीं से हम लोग एंट्री करते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नारियल फोड़वाने, तो आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है रानी तलाव। तो गाइस ये तो गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर साइड जहाँ मंदिर है माँ का, तो बस वहीं हम जा रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले तो भीड़ लाइन लगती है नहलाने के लिए, इसीलिए लाइन लगा के जाना पड़ता है, और बहुत ही टाइम लगता है। अगर आप सुबह टाइम आते हो तो आपको ज़्यादा ही आप जल्दी नहला सकते हो देवी माँ को। और बस ऐसे ही लाइन लगा के हमको चलना है। और यहाँ गाइस पुलिस भी वो लगी रहती है, अगर आपको कुछ भी तकलीफ हुई आप घूम जाते हो तो बस यहाँ होती है पुलिस। और बस अब हम दान पेटी, आपको जितना दान करना हो माँ के मंदिर पे आके तो आप करिए और दीजिए जो भी आप। तो जो मैहर पे देवी माँ है वो, तो ये दूसरा गेट है जो मंदिर के अंदर से निकलता है, और यहाँ मम्मी लोग अगरबत्ती ले रही हैं। ये है माँ कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं रानी तलाव के पार्क के अंदर, और ये हम जहाँ तो गाइस आप मंदिर देख सकते हो जो बीच में बना है तलाव के अंदर, और इस मंदिर पे जाना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ कोई नहीं जाता है इसलिए हम नहीं जाते। और ये है रानी तलाव का पार्क, और देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है बीच पे तलाव और मंदिर। तो गाइस और ये मैं हूँ, और इतनी ज़्यादा धूप थी कि दुपट्टा सर पे लेना पड़ रहा है। और इस मंदिर के बारे में आपको मैं, तो गाइस यहाँ भी एक मंदिर है पार्क के अंदर भी, एक नहीं तो तीन है मंदिर। तो गाइस आप दो कलर के फूल तो देख ही रहे होंगे कितना। ये है दूसरा रास्ता जो पार्क के अंदर से आता है और रिटर्न हो जाता है, आप देख सकते हो। और यहाँ कितनी सारी भीड़ है, और ये है जो हम यहाँ से मेन गेट है रानी तलाव का। ये गाइस देख सकते हैं कि 5 रुपए के सेल में कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, जैसे कि कोई झुंड भीड़ इकट्ठा हो गया हो। गाइस हमने रानी तलाव घूम लिया है, और अब हम जा रहे हैं घर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो हमारे रानी तलाव की तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे जल्द ही, डांस की या तो रिएक्शन वीडियो या तो ब्लॉगिंग। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, सी यू।